वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सही गोइंदी। आज मैं आपको तुर्की में इस्तांबुल शहर के एक ऐसे गोशे में ले जाऊंगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बल्कि बर्रे सगीर पाको हिंद से है, क्योंकि इस वाक्य का ताल्लुक 1921-22-23-24 से है। उस वक्त अभी करारदादे लाहौर भी नहीं थी हुई। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी बर्रे सगीर पाक हिंद के उन जैयद उलमाए कराम में शामिल होते हैं जो इलम में, फिक्र में और अमल में अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने 1915 में पाकिस्तान जो सरजमीन है, आज हिंदुस्तान का हिस्सा था तकसीम से कबल, यहाँ से हिजरत की काबल। काबल में जलावतन हुकूमत बनी, एक हिंद जलावतन हुकूमत राजा महिंद्रा प्रताप की, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। और राजा महिंद्रा प्रताप की जो जमात थी, उसकी कोशिश थी कि हम जर्मनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं। उसके बाद फिर वो कैसरे जर्मनी के बाद वो फिर मिला सोवियत यूनियन ने ट्रॉट्स्की को मिला, जब सोवियत यूनियन में इंकलाब आ गया। तो जब ये लोग अफगानिस्तान में चले गए, एक बहुत बड़े तादाद में हिंदुस्तान से लोग गए, उसमें जफर हसन ऐबक भी थे, एक नौजवान, कोई 15-16 साल के थे। मेरा उनसे रब्ता हुआ था, वो 80s लेट में उनका डेथ हुई। वो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी के सेक्रेटरी थे। तो काबुल में उन्होंने जलावतन हुकूमत जर्मनी, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी उस हुकूमत के वज़ीर दाखला या वज़ीर हिंद थे, लेकिन काबुल हुकूमत पर बहुत दबाव था बरतानिया का, तो इसलिए मौलाना अबैदुल्ला सिंधी को काबुल छोड़ना पड़ा। अच्छा, काबुल छोड़ने के बाद वो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी सोवियत यूनियन चले गए। सोवियत यूनियन में बोल्शेविक इंकलाब बरपा हो चुका था और वो सोवियत यूनियन के वज़ीर ख़ारजा चेचरन से मिले, इसी नौजवान जफर हसन ऐबक के हमरा। अच्छा, फिर वहाँ से उन्होंने सपोर्ट लेने की कोशिश की और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उनको कुछ सपोर्ट मिली भी, लेकिन जो चाहते थे वो पूरा ना हुआ। उसके बाद वो तुर्की आ गए, चूँकि तुर्की उनका पहले रब्ता हुआ था ऑटोमन के आखिरी दिनों में। जब वो तुर्की आ गए तो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क इतिहादी फौजों को, बरतानिया को, इटली को, फ्रांस को, जितनी भी जहाँ ताकतों ने हमला किया हुआ था, यूनान को शिकस्त देके इंकलाब कामयाब कर चुका था। इस्तांबुल में वो कहाँ रहे, आज मैं आपको उस जगह पर ले जाऊँगा। और यहाँ ही उन्होंने 1924 में जो पार्टी थी राजा महेंद्र प्रताप की, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और टोटल जो फ्रीडम थी हिंदुस्तान का, उसका पूरा एक नक्शा बनाकर पेश किया। कहते हैं कि जो शिमला में बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा करने का एक बड़ा मरहला आया, उसमें वही डॉक्यूमेंट बड़ी अहम थी। और वो इस्तांबुल में कहाँ क्या उन्होंने किया, मैं इन जगहों को तलाश करता हूँ अपनी जहांगर्दी में, तारीख को, तहजीब को, तमद्दन को, समाज को, लोगों को और इंसानी सफ़र के उन गुमशुदा नामों को जिनके कदम मुझे तारीख के औराक में नज़र आते हैं, मैं उनको जाकर देखता हूँ। इस्तांबुल के एक इलाका अक्सराय में वो तकिया हिंदी या हिंद सराय भी उसको कहते थे, मैं वहाँ गया। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वहाँ मौलाना अबैदुल्ला सिंधी ने 3-4 साल क़याम किया और वो जगह आज कैसी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी जगह टीपू सुल्तान ने जब हिंदुस्तान में बढ़ती हुई बरतानवी साम्राज्य का असर देखा तो उसने ऑटोमन से रब्ता किया, लेकिन ऑटोमन उस वक्त बड़े जवाल याफ्ता हो चुके थे, यहाँ पे जेनिसरी अपने सुल्तानों को माजूल कर रही थी, लेकिन वो रब्ता कोई अमल पजीरी ना आ सकी, चूँकि जहाँ जो उन्होंने अपना एक एलची भेजा था वो भी इसी जगह रहा और उसकी कब्र भी यहीं है। तो आपको मैं आज ले चलता हूँ इस्तांबुल के उस गोशे में जहाँ पर मौलाना अबैदुल्ला सिंधी मरहूम, जिनका बड़ा मैं मता हूँ, आशिक हूँ, वो दीन के इलम में भी, दुनिया के इलम में भी, सियासत के इलम में भी, समाज के इलम में भी अपनी आम मसाल है। और अगर इसका कुछ और जिक्र पढ़ना हो तो मेरी किताब लोग दर लोग में मौलाना अबैदुल्ला सिंधी का एक चैप्टर है जो कुछ अर्सा पहले शाया हुई थी। तो आओ देखते हैं मौलाना अबैदुल्ला सिंधी और टीपू सुल्तान के एलची का क्याम कहां पर हुआ।
तकिया जगह है। ये टीपू सुल्तान का वो सफ़ेद थे जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए, फौजियों की ट्रेनिंग के लिए बरतानिया के खिलाफ यहाँ पर इनके जर्नैल भी आए, ये उनकी कब्र है। और मोहम्मद सरदार इनका नाम था और इसको हिंद तकिया कहते हैं। ये असल में जो सूफ़ी नक्शबंदी कादरी मुख्तलिफ सूफ़ी थे उनका तकिया था हिंदुस्तान से जो आते थे ऑटोमन पीरियड में, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ज़माने में ये सारा बना था। और उसके बाद आखिरी जो मेहमान यहाँ हुए हैं वो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी जो 1923 तक यहाँ रहे जब इनकलाब आया जमहूरिया तुर्किया का। तो ये सारी कब्रें उस ज़माने की भी हैं। कई यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो जो लोग आए थे उनकी कब्रें हैं। और मौलाना अबैदुल्ला सिंधी यहाँ पर क़याम किया था, इसी इसको उस वक़्त हिंद सराय भी कहते थे, हिंद तकिया भी कहते थे। मोहम्मद इमाम सरदार एलची थे टीपू सुल्तान के, ये उनकी कब्र है और उसके ऊपर लिखा है एलची टीपू सुल्तान, जो मैसूर से यहाँ आए थे फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक मुनज़्ज़म फ़ौज, और जो फ्रेंच के साथ और ऑटोमन उस्मानलियों के साथ मिलकर बरतानिया के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रहे थे, उसकी ट्रेनिंग के लिए अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए उनके जर्नैल थे, एलची थे, जर्नैल थे, सफ़ीर थे। और फिर यहीं पर मुख्तलिफ सूफिया कराम भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, दिल्ली से, अलाहाबाद से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। और आखिरी मेहमान जो हुए थे तुर्कों के वो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी थे। और ये जो सराय थी ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बनाई थी जब इस्तांबुल फतह हुआ था, ये उसी वक्त से थी और ये मखसूस थी हिंदुस्तान के लोगों के लिए, खसूसन हिंदुस्तान के नक्शबंदी फिर उसके बाद मुख्तलिफ सिलसिला जो सूफिया का था वो यहीं पे आके आलम दीन रहते थे। ये उस वक्त की दीवार है, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर की ये कंस्ट्रक्शन है ये वाली सारी। और ये कब्र है, मुख्तलिफ लोगों की गुमनाम लोग हैं अब तो भूल लगे हुए हैं। और ये साहब यहाँ पर हिफाजत करते हैं इसम काजिम, इनका ये आबे यानी कि बड़े भाई काजिम इनका नाम है, जैसे काजिम कारा बेकर थे आईना। तो बहुत अच्छे हैं ये, बाहर बेल्ट बेचते हैं, इन्होंने हमारे लिए दरवाज़ा खोला, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये वो जगह है जहां मौलाना अबैदुल्ला सिंधी मरहूम रहे और उनके साथ उनके नौजवान जो सेक्रेटरी जफर हसन ऐबक थे वो 92 साल की उम्र में 1987 में इंतकाल कर गए। मेरा उनसे टेलीफोन पर रबता हुआ था, बिलमशाफा मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी किताब खातिरात इस हवाले से बहुत अहम है जिसके अंदर बड़ी तफसील है कि कैसे वो काबुल गए, काबुल में क्या हुआ और फिर वो कैसे अफगानिस्तान से रशिया गए और रशिया से फिर वो कैसे तुर्की आए। और अफगानिस्तान में जो बिट्रेल हुआ था रेशमी रुमाल तहरीक का उसका बड़ा जिक्र है, और जिन्होंने बिट्रेल किया वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी औलाद पाकिस्तान के बड़े अहदों पर पहुँची और उनके पोते पोतियाँ आज पाकिस्तान में बड़ी बेनिफिशरी हैं। वो किताब ज़रूर पढ़ें जफर हसन ऐबक मरहूम की, वो खातिरात के नाम से संग मील ने छापी हुई है। यही वो मकाम है जहाँ मौलाना उबैदुल्ला सिंधी मरहूम ने क़याम किया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।